जनाब जुवेद कोडू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असी यह क्यू जे परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से अकैडमी खोली जिते असी बच्चों हफ्ते ते अतवार नू ट्रेनिंग देने एक्टिंग दे बारे डायरेक्शन दे बारे ड्रामे दे बारे ते तुसी साड़ी अकैडमी का सारा विजिट कर लिया बल्कि तुसी इस अकैडमी का एक हिस्सा हो आना भी करना और स्टूडेंट नाल एक्टिंग दे बारे थोड़ा जा तबसरा भी करना करना ते साड़ी इस अकैडमी तुहानू कैसी लगी तुसी अज इत्थे आए पहले ते वेखण वाले नू सुनण वाले नू ते पुछण वाले नू अस्सलाम वालेकुम ते बहुत सारियां दुआवां। दूसरी गल तुसी पुछी ये क्यों जे यानी कैसे जावे परफॉर्मिंग आर्ट ये बड़ी गल है कि इस दौर च भी तुसी सिखा रहे हो वरना अजकल दे नाम निहाद मुंडे कुड़ियां आ रहे ने जिन्हां नू इन्ना नहीं पता लैफ्ट राइट मूव की मतलब नाम लेना ही नहीं आता उन्होंने इस आर्ट के नाल कोई ताल्लुक नहीं उन्होंने सिर्फ दो चार धुमके तो दो चार जुगत आनी ने जिड़िया करके चले जाते हैं तो तुम चूंकि वे वे मतलब डायरेक्टर वे वे प्रोड्यूसर और खुद भी मतलब राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर रह चुके हो तो जाहरी गल है एक अच्छा ही करवाओगे माशाल्लाह तुम आप काम किया है नाल करवाया तुम कभी भी नहीं जाओगे कि जी जो काम इतने वे वो इतने हो गए कभी भी नहीं जाओगे तो बड़ी अच्छी गल है कि तुम बच्चों इस गए गुजरे दौर च भी मतलब आर्ट ना दस रहे हो मतलब सानू तो मतलब जो जमात च स आर्ट फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स ठीक है वो लिखाया जाता सी तो तुम तो पढ़ा रहे हो सिखा रहे हो तो बड़ी आला गल है क्योंकि वरना माशरा सात अठ गल चल रहा है मतलब स्पोर्ट्स हो गया टेक्निकल हो गया सियासी हो गया अपना जरा इलेक्ट्रिकल हो गया कल्चर हो गया इन चीज़ों ना ही चल रहा है तो तुम कल्चर को प्रमोट कर रहे हो तो बड़ी आला गल है मतलब ये नहीं कि तुम मूँह से बैठे हो तुम बड़ा बड़ा अच्छा काम कराया मैं वो जिंदा मिसाल हाँ तुम मैं लड़ लड़ के रोल कराए ने जो मैं बहर हूँ सदो तुम मैं याद है कि तीन क बारी तो मैं याद है कि तुम मेरे लिए व्डा व्डा रोल रखे कि जी वो आएगा तो करेगा लेकिन वो चूंकि मैं एक दो बारी वेखे कि यार रोल अगर मैं किया तो खराब करा तो फलान जरा कर रहे ना वही अच्छा कर रहे तो तुम मैं रिक्वेस्ट की यार कैसे था मेरी एक दो एंट्रियाँ मिलदियाँ जुलदियाँ बना दो तो तुम वे बनाती हैं तो शुक्र है बड़ा अच्छा है। और आर्ट सिखाना क्या बात फाइन आर्ट सिखाना ना किसी ने लड़ाई ना किसी ने झगड़ा ना कत्लो वारक ना कुछ फाइन आर्ट प्यार मोहब्बत यार फाइन आर्ट सिखा रहे तुसी ते बड़ी आला गल है और ये बच्चों की और बच्चियों की और जो भी जो स्टूडेंट आ रहे हैं मतलब तुसी भी वड्डे कोलों सीखे तो अगों वो सर्कल जरा बरकरार रखना चाहते हो तो बड़ी अच्छी गल है कि मतलब मेरे को अल्फाज मुक गए ने तारी तारीफ दे लेकिन मैं कह नहीं पा रहा बच्चे हो यानी कि आना चाहिए इस अकैडमी च बच्चे बिल्कुल आना चाहिए मतलब फाइन आर्ट सिखा रहे ने इस गए गुजरे जो हर पास नफसा नफसी और कतलो गारत और फलो फलो का दौर है तो पीसफुल काम सिखा रहे तो थैंक यू कैसे साहब ताड़ा भी तो स्टूडेंटा का भी कि जेडे इन्हों को सीख रहे हैं वो मजीद अगों भी ले आन स्टूडेंट्स ताकि उन्होंने पता लगे कि वाकई आर्ट सिखा रहे हैं और इतों मौके भी मिले हाँ जी इंशाल्लाह मौका जरूर मिलेगा तो पहले मुकद्दर पे मतलब वो रखनी है नज़र फिर दुआ मंगनी तो फिर इन्हों कहना कि जी सानू किसी टोरो तो इंशाल्लाह टोरन मेरे वर्गे थके टुटे तोड़ लेंगे तो तुम तो फिर ठीक हो।